हेरंबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वापी ज्वेलरीसीना थर्ड फेज विस्तार में एक पे एंड यूज शौचालय स्नानगृह और सैनेटरी सुविधा उभी करी छे। वापी और सरीगाम ज्वेलरीसी ने मुंबई खाते प्लान धरावती अग्रणी केमिकल कंपनी हेरंबा इंडस्ट्रीज लिमिटेडे पोताना सीएसआर फंड माथी वापीनी ज्वेलरीसी में आवता जता कामदारों तेमज ट्रांसपोर्ट साथ संकळायेल ड्राइवर क्लीनर माटे वापी ज्वेलरीसीना थर्ड फेज विस्तार में एक पे एंड यूज शौचालय स्नानगृह और सैनेटरी सुविधा उभी करी छे। कंपनीए वापी ज्वेलरीसी तथा नोटिफाइड वीआईए અને ગ્રીન પબ્લિક ફેસિલિટીના સહયોગથી કંપનીના સીએસઆર ફંડમાંથી આ શૌચાલય બનાવ્યું છે। શૌચાલયની સંપૂર્ણ જવાબદારી મુંબઈ એનજીઓ સંસ્થા કમ્ફર્ટ 16ને સોંપી છે, જ્યારે તેના મેન્ટેનન્સની સંપૂર્ણ જવાબદારી કંપની પોતે લેશે અને તે માટે દેખરેખ પણ રાખશે। આ પે એન્ડ યુઝ શૌચાલય સ્નાનગૃહ અને સેનિટરીની સુવિધાનું કંપનીના ચેરમેન આર કે શેટ્ટી વીઆઈએના પ્રમુખ કમલેશ પટેલના હસ્તે તેનું ઉદઘાટન કરી જાહેર જનતા માટે ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું હતું। આજે અત્યારના સમયમાં માંગ છે અને એ ઊભી થવી જ જોઈએ, એ તમારું કહેવું એ સાચું છે અને અમને વીઆઈએ અને નોટિફાઈડને જીઆઈડીસી જ્યાં જ્યાં આવી રીતના પોકેટ આપશે ત્યાં અમે ઉદ્યોગકારોને સાથે મળીને આવી ફેસિલિટી ઊભી કરવા માટે તત્પરતા છીએ અને બનશે એટલું જલ્દી બીજા બી એક બે જગ્યાએ અમે આ જે એજન્સી મેન્ટેનન્સ કરવાની છે એની સાથે રાખીને અમે આ કામ કરીશું અને હેડંબા ગ્રુપે જે અહીંયા જે કામ એમના સીએસઆર એકાઉન્ટથી કર્યું છે એ બહુ સરાહનીય છે અને બીજા ઉદ્યોગકારો બી એમને આજની પ્રેરણા લઈને આગળ આવે એવી મારી વિનંતી છે। તો અમે સાથે મળીને બી જીએડીસીમાં બીજા બે ચાર પોકેટ જગ્યાએ જ્યાં જ્યાં જરૂર લાગે અને જ્યાં જગ્યા આવી સરસ મળશે અમને તો અમે એ પ્રમાણે ચોક્કસ આવા બીજા સાહસ કરશું। થેન્ક યુ, થેન્ક યુ સો મચ। એક સ્વચ્છ ભારત કે એક મોદીજી ઓર સરકાર કા એક અભિયાન હૈ ઉસમે સે હમારા ભી એક છોટા સા પ્રયાસ હૈ। इस जीएडीसी में हम लोग ये बहुत ही अच्छा एक इधर ज़रूरत था एरिया में, उसके लिए हम हेरंबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड और जीएडीसी का एक जॉइंट एफर्ट से ये जो पब्लिक फैसिलिटी का हमने निर्माण किया है अंडर सीएसआर का एक इनिशिएटिव है। आज कमलेश जी भी आए, कमलेश जी ऐसे बहुत सारे चीज़ का उद्घाटन किए होंगे। ये हमारा तरफ से एक ये लोकल एक पब्लिक को एक तोहफा है। हमने रिसेंटली भी एक वीआईए हॉल में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम सीएसआर में और पब्लिक के लिए इधर लोकल जनता के लिए एक सीएसआर में काम किया है। उसमें अंगविकल मीन्स फिजिकली चैलेंज्ड वाले के लिए काफ़ी अच्छा मीन्स 500-600 जन का एक लोग इसमें लाभार्थी आए थे। उसमें भी हमारा हर साल मतलब लास्ट पाँच छः साल से हम लोग हर साल भाई लास्ट कोविड पीरियड में हमारा कुछ थोड़ा गैप रहा, अदरवाइज हर साल हमारा ये पब्लिक लैटरिन जैसे हो और स्वच्छ भारत का ये इस हिसाब से हो और सोशली चैलेंज्ड वाले को भी कंपनी हमेशा इस चीज़ को हम ध्यान देते आया है लोकल में और बाहर भी। रिसेंटली हमने सरीगम में भी स्कूल के लिए कंटिन्यूसली स्कूल में भी हम लोग ऐसे फैसिलिटी क्रिएट किया है और अभी भी एक हमने एक अच्छा अमाउंट स्कूल के लिए स्पेशली जो लेडीज गर्ल्स है उनके लिए उनका ध्यान रखते हुए ये प्रयास किया है और करते रहेंगे। और बहुत सारे बाहर भी वापी का अलावा भी हमारा ये जो सीएसआर एक्टिविटीज़ में हम लोग बहुत ही एक्टिव है। डैम्स रहे हमारा महाराष्ट्र में डैम्स रहा एक कोविड का पहले, उसमें भी हमारा खर्चा था। तो ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है, एक हिस्सा हमारा एक छोटा हम अंश पब्लिक को उसमें हम वापस दे रहा है मेंटेनेंस। ये हमारा जॉइंट एफर्ट है। ये अपना कम्फर्ट 60 करके एक उनका एक संस्था है, वो हमसे जुड़े हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। वो उसको डे टू डे मेंटेनेंस और उसको स्वच्छ रखना और कंपनी भी हमारा उसका उनसे रेगुलर टच में रहेगा कि वो कैसे चलता है, उसको हम ध्यान रखेंगे उसको।